हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी नया तरीका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कैप बताने जा रही हूँ जो छोटे बच्चों पे बहुत ही जचती है। लड़के लड़की चाहे जो मर्जी उसको लगा दो तो बहुत अच्छी लगती है। ये टोपी आपको यूट्यूब चैनल पर भी नहीं मिलेगी और जो है ये टोपी इतनी प्यारी लगती है कि बच्चे गले से निकालते नहीं है जल्दी। जो है कंधे से लेकर नेक सारा कुछ ढका रहता है इससे, और जैसे मोरनी होती है इस डिजाइन की टोपी है, आपको मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, मेरी टोपी देखना मैं किस तरह बना रही हूँ। और इसमें हमने आपको बता दें कि हमने 18 जोड़ लिए। इसमें 18 जोड़ जो है अब देख रहे हैं हम, इसको दो उल्टा दो सीधा, जिस तरह पहले बॉर्डर बनाते थे ना कई लोग, इस तरह हम दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हैं एक दो, तो हमने उल्टा बुना, उसके बाद दो सीधा, इस तरह देख रहे हैं ऊन आगे की है, दो उल्टा दो सीधा, ऐसे बनाएंगे। बहुत ही प्यारी लगती है टोपी, एक बार आप बना के जरूर देखना, बहुत ही आसान तरीके से। कुंडे भी ज्यादा हमने 18 जोड़ लिए हैं, जैसे आप बढ़ा सकते हैं, 20 जोड़ करते हैं, 21 जोड़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे छोटा बड़ा बच्चा हो इस तरह बनाना है आपको। तो देख रहे हैं दो उल्टा दो सीधा हमने बुना इसको, और बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से टोपी बन जाएगी। और आप लगाएंगे तो कहेंगे हाँ बच्चे पे कितनी जचती है, हर बच्चे पे जचती है टोपी। दो, इसको ध्यान में रखना है कि कुंडा इधर उधर होने ना पाए, ये ध्यान देना है। और अगर दोस्तों मेरी टोपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल पे, आप देखते रहिए कितनी प्यारी टोपी बन के तैयार हो रही है। दोस्तों हम इस तरह बनाएंगे, हम इस तरह एक गिट तक बनाएंगे। तो हम एक गिट बनाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो देख रहे हैं हम जो है इसको बना रहे, अभी एक गिट तैयार हुआ नहीं है। हम आपको बता दें कि जो है जो हम पुट्ठा बनाते हैं, पुट्ठे पे पुट्ठा सीधे पे सीधा होना चाहिए। देख रहे हैं कैसे अलग सा हो रहा है ना, कि जिससे ये गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह हम बना रहे हैं, देख रहे हैं पुट्ठे पे पुट्ठा सीधे पे सीधा होगा, लाइन सी बननी चाहिए इसमें। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी बनती है टोपी, बन के तैयार होती है। तो दोस्तों हमने देख रहे हैं आप कि हम यहाँ तक बोले थे कि एक गिट तक हमें बनानी है, एक गिट हो चाहे हम बच्चे के सिर से ही नाप लेंगे, वैसे हम यहाँ से देख रहे हैं हम 6 इंच हमारी तैयार हो गई है। इस तरह हमने गिट से जैसे देख रहे हैं थोड़ी सी गिट से कम हो रही है, 6 इंच हमने यहाँ से यहाँ तक लंबाई ले ली। इसके बाद हमने यहाँ पर देख रहे हैं ना, दो उल्टा दो सीधा हमने बनाया है। इसके बाद क्या करना है हमको, इसी सिलाई में हम यहाँ से 18 जोड़ हमने लिया था, 18 जोड़ हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। 18 जोड़ कुंडे हमें, यानी 36 कुंडे हमें यहाँ से यहाँ तक उठाना है। देख रहे हैं हम कुंडा इस तरह उठाएंगे यहाँ से, तो दोस्तों देख रहे हैं हमने यहाँ तक जो है 18 जोड़ हमने उठा लिया है यहाँ पर कुंडा। अब जो है यहाँ पर 18 जोड़ कुंडे हो गए, यानी 36 कुंडे हमने यहाँ उठा लिए हैं, और हमें यहाँ से गिन के हमने पूरे कर लिए। हमें पता करने के लिए जो है एक हम कोई दूसरे कलर का ऊन लगा देंगे यहाँ पर, जिससे हमें पता लगे आसानी से, हम गिन सके, नहीं तो पता लगता है कि इसमें हम जो है कुंडे जुड़ जाते हैं, यहाँ से हमें गिनने में आसानी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे हम बनाएंगे कि ये जो हमने सीधे सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, ये इसको हमें ले के चलना है कि हम इस तरह वो करेंगे कि दो उल्टा या जो हमने ये बनाया है दो सीधी सिलाई, यहाँ से हम कहेंगे दो उल्टा दो सीधा, इस तरह हम दिखा रहे हैं आपको बना के, देखिए यहाँ से हमें देख रहे हैं हम, अभी भी हम वही क्रम दोहराएंगे, दो उल्टा दो सीधा जो है बनाएंगे। देख रहे हैं, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि दो उल्टा और दो सीधा यही बुनना है, हमें दिखा रहे हैं आपको।
तो देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब हमें दो जो है यहाँ से दो उल्टा दो सीधा, दो उल्टा और जो है यहाँ पर दो सीधा, देख रहे हैं ना। हमने यहाँ से जहाँ से ये देख रहे हैं दो लाइन चली है जो दो उल्टे दो सीधे, हम इसी पर आ गए हैं। ये चीज हमें देखकर चलना है कि दो इसी पर आना चाहिए। यहाँ तक हम चलेंगे, अभी आपको बता रहे हैं। आ गए यहाँ तक, अब इसके बाद हम एक धागा लगा देंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें पता लगे यहाँ तक हमारी वो जो है कुंडे हमारे यहाँ तक हैं। अब हम यहाँ से जैसे इधर उठाए थे, हम इधर भी 18 जोड़ कुंडे उठा लेंगे, यानी 36 कुंडे हम इधर भी इसी सिलाई में हम जो है यहाँ से इस तरह हम 36 कुंडे उठा लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों देख रहे हैं हमने यहाँ पर इधर भी हमने 18 जोड़ उठा लिया, यानी 36 कुंडे हमने इधर भी उठा लिए हैं। ये देख रहे हैं हमने एक ये जैसे अलग कलर का ऊन लगा लिया है कि जिसे हमें पता लगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक 18 जोड़ उठा लिए हैं कुंडे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से देखना है कि हमें इस चीज का वो करना है जिसे हमने पीछे बताया इसमें कि ये सीधा उल्टा सीधा यहाँ से हम गिनती कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ना ऐसे ही देख लेंगे कि यहाँ पर अगर दो सीधा है तो दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा, तो हमारा यहाँ पर जो है यहाँ से हम सीधी सिलाई चलेगी, दो दो सीधा और इस तरह हम बना लेंगे। दिखा रहे हैं हम आपको अभी बनाकर, एक दो। तो दोस्तों देख रहे हैं आप हमारी टोपी किस तरह बन के तैयार होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों कैसी लग रही है, बहुत ही अच्छी डिजाइन है जो है बन रही बहुत ही आसानी से। तो इसको जो है हमने देख रहे हैं दो सीधा उल्टा सीधा, यही ध्यान देना कि हमें कहीं गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो दोस्तों देख रहे हैं हम आ चुके हैं यहाँ पर, हमने 18 जोड़ बुन लिए। अब हमें यहाँ पर जो है उल्टे पर उल्टा सीधे पर उसी पर हम आ चुके हैं, उनको हमें निकाल के हटा देना है। अभी हम हटा देंगे उनको, लेकिन देख रहे हैं अब हम इस तरह हम चारों तरफ अब दो सिलाई से हम इधर से चारों बुनते चले जाएं, एक गिट तक हमें बुनना है। हम आपको दिखा रहे हैं अभी, हमें इसी तरह जो है बनाना है दो उल्टा दो सीधा, आप देख रहे हैं ना इस तरह की, ऐसे हम बनाते चले जाएंगे दो उल्टा दो सीधा हम बनाते, एक गिट तक हमें जाना है बनाते हुए। तो तब तक हम मिलते हैं, इतना बना लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों हमने यहाँ तक बना लिया है, देख रहे हैं किस तरह हो गया ये टोपी चारों तरफ से, यहाँ से ऐसे इस तरह चल रही है। तो इसमें हमें जो है यहाँ तक बनाने के बाद हम अभी अगर आपको दूसरा कलर लगाना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे यहीं से लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से दूसरा कलर इसमें लगा रही हूँ। ऐसे ही हमें बनाना है दो उल्टा दो सीधा, देख रहे हैं ना इस तरह हमें दूसरा कलर हम लगाएंगे। इस तरह हमें कलर चेंज करके यहाँ लगा देना है, और अभी हम बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह हमें बना लेना है, देख रहे हैं हम कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। और जो है अगर आपको हमारी टोपी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप आगे देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं हमने इतना बना लिया, बोले थे एक गिट बनाने के, तो एक गिट हमारी ये देख रहे हैं, एक गिट हमारी तैयार हो चुकी है। और जो है अब यहाँ से हम बताए कलर हमने यहाँ भी, आपका मन करे तो जैसे पास पास में भी कलर चेंज कर सकते, दूर दूर वैसे हमने इतनी दूर पर लगाया है, अपनी अपनी पसंद है। तो दोस्तों देख रहे हैं अब हम जो है यहाँ पर एक गिट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुंडा है हम इसमें एक कुंडे में ना जो है दो कुंडा करेंगे, इस तरह करेंगे जैसे एक कुंडा है तो इसमें से हम दो कुंडे बनाएंगे।
और यहाँ पर देख रहे हैं एक कुंडा है, तो इसमें हम दो कुंडा बनाएंगे, दो कुंडे में चार कुंडा हो गए। अब हम उल्टा जो है ना, इस देख रहे हैं इसको भी हम एक कुंडे में जो है दो कुंडा बनाएंगे, देख रहे हैं यहाँ एक कुंडा दो कुंडा, हम ऐसे ही पूरी सिलाई बना लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों हम बहुत ही आसानी से बना ले, एक कुंडे का हमें दो कुंडा बनाना है, इस तरह हमें बनाते जाना है पूरी सिलाई, एक भी कुंडा हमें छोड़ना नहीं है, हमें एक कुंडे में जो है इस तरह करना है दो कुंडा, दो कुंडे में चार, ऐसे डबल हो जाएगा इसका, डबल होना जितने कुंडे इसका डबल होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो दोस्तों लाइक करना ना भूले, प्लीज लाइक जरूर करना, और जो है सब्सक्राइब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों आप देखिए हम इस तरह बना रहे हैं बहुत ही आसानी से, हम बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं आपको, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो देख रहे हैं हम इस तरह पूरी सिलाई आपको बता रहे हैं, पूरी सिलाई में हमें एक कुंडे का दो कुंडा करना है, तो हम पूरी सिलाई बनाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हमने दो कुंडे, कुंडे का दो कुंडा, दो कुंडे में चार कुंडा इस तरह हमने कर लिया। अब इसके बाद हम जो है दिखा दें आपको कि इसमें जो है, अब पहले तो दो उल्टा दो सीधा था, अब हमें इसमें दो चार उल्टा चार सीधा बनाना है। देख रहे हैं हमें इसमें ध्यान देना है कि दो दो चार, अब ये जो है ना यहाँ पर हम चार उल्टा बनाएंगे, जहां उल्टा था दो का चार हुआ था उसे हम उल्टा बनाएंगे, चार उल्टा। अब यहाँ पर हमें जो है चार चार कुंडे सीधे, देख रहे इस तरह हमें बनाना है, दो उंगल या चार उंगल, देख हम अभी आपको दिखा रहे हैं, चाहे दो उंगल बनाए वो तो आपकी मर्जी है। जो है इस तरह हम सारी सिलाई बना लेंगे, इसमें हमें चार उल्टा। तो दोस्तों देख रहे हैं ये हमने यहाँ तक बना लिया है, आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं इसको, देख सकते हैं कि कितने इंच का है, वैसे हमने दो इंच का बनाया है इसको, देख रहे हैं दो इंच का ये बनके तैयार हो चुका है। और जो है हम इसको अब इतना इसको टाइम लग जाता है क्योंकि डबल कुंडे हो चुके हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब हम इसे जो है जिसे उतारते हैं उसको कुंडे को इस तरह उतार लेंगे, ऐसे ही हम उतार लेते हैं। तो देख रहे हैं हमने यहां तक इसको इस तरह इसके कुंडे उतार लिए हैं, इसको यहां से हम तो हम यहां तक इसकी सिलाई कर देते हैं यहां तक, जिससे कि बच्चे का सिर में आ जाए, यहां तक हम इसकी सिलाई कर देते हैं। देख रहे हैं इस तरह हम इस तरह इसकी सिलाई कर देंगे। तो देख रहे हैं हमारी टोपी बनकर जो है तैयार हो गई, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह हमारी टोपी तैयार हुई, अभी इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं यहां तक हम जो है सिल दिए, सिलाई कर दिए यहां से। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रोशिया से हम जो यहाँ दूसरा कलर लगाएंगे। देख रहे हैं ये जो सीधा है, सीधी साइड से हम पहले तो हम यहाँ इस तरह करेंगे, यहां से क्रोशिया से हम इसमें से हमें तीन बार या चार बार आपका जो मन करे बड़े जिस तरह बनाने हैं थोड़ा मोटा लग रहा है, इसमें मोटा पड़ रहा है इसलिए। इसको हम क्या करेंगे, तीन बार हमने बना लिया, अब यहां जहां तक जा रहा है यहां से हम ऐसे बनाएंगे, यहां से इस तरह हम करके दोनों को एक में निकाल लेंगे। अब हमें देख रहे हैं इसके बीच से हमको निकालना है इस तरह करके,
इसकी हम बीडिंग कर लेते हैं ऐसे। मोटे ऊन की वजह से हमें ऐसा हो रहा है, कुरेशिया पतली है। तीन तीन बार हम इसमें से ऐसे निकालेंगे, इस तरह बनाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इस तरह हम करेंगे, हमें पता लग जाएगा हमें यहाँ तक ऐसे करना है। देखने बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा लगेगा। हम टोपी के यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह कर देंगे चारों तरफ। देख रहे हैं दोस्तों हमारी टोपी जो है बन के तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही है बच्चे पे। देख रहे हैं यहाँ से ऐसे इस तरह लगा दिए तो बच्चे का जो है नेक कंधा सब ढका रहेगा और जो है कितना अच्छा कितना बढ़िया बन गया। देख रहे हैं बहुत ही प्यारा है। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते प्लीज लाइक जरूर करना और मेरे वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब करना और वीडियो को जो है शेयर जरूर करना। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी प्यारी टोपी बन के तैयार हुई है। एक बार बनाएंगे तो बोलेंगे वाह क्या बच्चे, जो बच्चे लगाएंगे पूछेंगे अरे किसने बनाया इतनी अच्छी टोपी।